ओके, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में या काइंड्स ऑफ डिमांड। अब ये मत कंफ्यूज होना कि टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा था, काइंड्स ऑफ डिमांड तो पढ़ा ही नहीं था। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। टाइप्स ऑफ डिमांड एंड काइंड्स ऑफ डिमांड इज वन एंड द सेम थिंग। एग्जामिनर को कुछ भी पूछने दो, अपने को तो आंसर ये लिखना है। ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड आर, इसको याद ऐसे रखना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। ओके, सो सबसे पहले हम डायरेक्ट डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्ट डिमांड, व्हेन अ कमोडिटी सैटिस्फाइज वांट ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, इट इज सेड टू हैव डायरेक्ट डिमांड। सिंपल सा है, जब हमारी वांट वो डायरेक्टली सैटिस्फाई कर देगा, तो हमारी जो प्रोडक्ट हमारी वांट को डायरेक्टली सैटिस्फाई कर दे, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स, जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, इज डायरेक्ट डिमांड। ध्यान रखना, जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड होती है। एग्जाम्पल, फूड, क्लोथ्स, टीवी, कार एक्सेट्रा, ये सब कंज्यूमर गुड्स है, इनकी डिमांड कैसे होगी? डायरेक्ट डिमांड। अब क्योंकि डायरेक्ट डिमांड पढ़ा है तो इनडायरेक्ट डिमांड भी पढ़ ही लेते हैं। इनडायरेक्ट डिमांड, इसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं। ये पढ़ते रटो नहीं, पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग में अपने आप ही फिट हो जाएगा। डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ओके, उनकी कैसी होती है? डिराइव्ड डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड। दे सैटिस्फाई द वांट इनडायरेक्टली। लैंड, लेबर, कैपिटल, दैट इज रॉ मटेरियल। मशीन्स हैव डिराइव्ड डिमांड। मशीन डायरेक्टली कंज्यूमर जाके डिमांड करते हैं। मशीन देना जो सीमेंट बनाती है, या वो सीमेंट को डिमांड करेगा। तो मशीन की डिमांड है इनडायरेक्ट डिमांड, उससे वो सीमेंट बनाएगा। वी डिमांड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मशीन्स, नॉट द मशीन्स, इसीलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड। ओके, सो हमारी टाइप्स ऑफ डिमांड क्या थी? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। तो हमने डायरेक्ट डिमांड पढ़ ली, कंज्यूमर गुड्स की होती है। इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड पढ़ ली, जो कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड। इनके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी ऑब्जेक्टिव का आंसर लिख लोगे। थर्ड, जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री, जॉइंट से ही समझो ना। जॉइंट मतलब एक चीज मांगी तो उसके साथ आप दूसरी चीज मांगोगे ही। जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सैटिस्फाई अ सिंगल वांट, देन डिमांड इज सेड टू बी जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल, मोबाइल एंड चार्जर, पेन एंड इंक। एक यदि पेट्रोल के पैसे नहीं है, कोई कार डिमांड नहीं करेगा। ओके, सो कार खरीदी है मतलब पेट्रोल उसको खरीदना ही है, इसीलिए वो जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप, सो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। क्या बोल रहा है? अब समझो कि क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ कार फॉल्स, डिमांड ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज। देखो, कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी एक चाहिए तो दूसरा चाहिए, जॉइंट डिमांड वाला। यदि कार की प्राइस घट गई तो ज्यादा लोग कार खरीदेंगे, और डिमांड ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज। तो एक की प्राइस घटी है, कार की प्राइस घटी तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ी, है ना। मोबाइल की प्राइस घटी तो चार्जर की डिमांड बढ़ी। ओके, पेन की प्राइस घटी तो रिफिल या इंक की डिमांड बढ़ी। इसलिए हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप यानी यदि प्राइस घट रही है तो उसकी डिमांड दूसरी चीज की बढ़ रही है जो उसके साथ जॉइंट है। सो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व मैं आपको प्रॉपर डायग्राम में दिखाऊंगी, और वो आपको, क्योंकि आप विजुअली उसको देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड, जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड पढ़ा। अब कंपोजिट और कॉम्पिटिटिव पढ़ेंगे हम कमिंग वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग aforaccounts.com।